हेलो मेरे दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मेरे दोस्त, आज मैं आपको पुर्तगाल के बैंकिंग सेक्टर के हवाले से एक बैड न्यूज़ देने जा रहा हूँ, उन लोगों के लिए जो कि पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश से नए आने वाले हैं। दूसरा, मैं बात करूंगा, मेरे पास बहुत सारे मैसेज आते हैं आप लोगों के। आप लोग बोलते हैं, यार मुर्शा भाई, आपने पाकिस्तान क्यों छोड़ा? सबसे बड़ी वजह क्या बनी आपकी पाकिस्तान छोड़ने की? क्योंकि यूरोप तो आप आते जाते ही थे। तीसरा, जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि मेरे दोस्तों, मैं यहाँ पे लोगों के इंटरव्यू लेता था और उनसे पूछता था कि भाई, आप पुर्तगाल में इतने टाइम से मौजूद हैं, 705 अगर बेसिक तनख्वाह आपको मिल रही है, तो आपके यहाँ पे लिविंग एक्सपेंस क्या क्या है? तो अब मुझे यहाँ पे तकरीबन ऑलमोस्ट 5 महीने कंप्लीट हो गए हैं, 6 महीने में मैं दाखिल हूँ। तो मैं अब आपको अपना एक्सपेंस बताता हूँ, क्योंकि आपको पता है मैंने जॉब भी शुरू कर दी है और जॉब पे जो बेसिक तनख्वाह मुझे मिली है 705, उसमें मेरे क्या क्या एक्सपेंसेस थे वो आपसे शेयर करूंगा, ताकि नए आने वाले कोई मुश्किल परेशानी ना हो और वो चीज़ें समझ सकें। बहुत सारे भाई मुझको मैसेज करते हैं और पूछते हैं कि मुर्शा भाई, हमें ये बताते हैं कि पाकिस्तान आपने क्यों छोड़ा, जबकि आप यूरोप हर साल आते जाते रहते थे, तो क्यों आपने सेटलमेंट के लिए पुर्तगाल को चुना और क्यों आपने परमानेंट सेटलमेंट का प्लान कर लिया? तो भाई, पुर्तगाल को मैंने इसलिए चुना कि ये वाहिद यूरोप का बहुत खूबसूरत मुल्क है, जो कि आपको इमिग्रेशन के दरवाजे इसने आप सब लोगों के लिए खोले हुए हैं। कहीं आपको इनलीगल रहने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका वीज़ा एक्सपायर हो भी जाता है, तो ये कंट्री आपको वेलकम कहता है। आराम से यहाँ पे आपको पेपर मिल जाते हैं, आपको किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं होती। लैंग्वेज बैरियर आता है, बट इफ़ यू कैन स्पीक इंग्लिश, तो वो भी कोई मसला नहीं होता, वो भी मामला आपके हल हो जाते हैं। पुर्तगाल को मैंने इसलिए चुना, पहली वजह यह है कि आपको पता है कि जब पाकिस्तान से आप वीज़ा अप्लाई करते हो, तो आपका पासपोर्ट जो है वो एम्बेसी में 3-3, 4-4 महीने उसमें इन्वेस्टिगेशन चलती है। और मैं कई ऐसे लोगों को जानता हूँ जिनके 6-6, 7-7 भी यूरोप के वीज़े लगे हुए थे, तो इस बार वो बहुत अजीब तरीके से वो रिफ्यूज़ हुए हैं। मैं खुद भी सरप्राइज हूँ। तो मैं दुनिया घूमना चाहता था और मैं ये सोचता था ये वीज़ों की रुकावट जो है मेरे पास से ख़त्म होनी चाहिए। मेरे पास कोई ऐसा सिलसिला होना चाहिए कि जब भी मैं चाहूँ, जिस मुल्क में, स्विट्ज़रलैंड, इधर उधर, मैं जहाँ जाना चाहूँ, मुझे वीज़े की ज़रूरत ना पड़े, मैं पासपोर्ट उठाऊँ और निकल जाऊँ। पहली वजह ये थी। दूसरा रीज़न मैं आपको ये बताऊं कि मेरा छोटा सा वहाँ गाड़ियों का बिजनेस था। अपने एक पार्टनर के साथ मिलके मैं गाड़ियों का काम करता था। 15 साल मैंने गाड़ियों का काम किया पाकिस्तान, और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे पैसे मैं वहाँ पे अर्न कर रहा था। लेकिन मसला मेरे साथ ये शुरू हो गया था कि अब मैं आपको एक छोटी सी मिसाल दूँ कि कुछ टाइम पहले नेमतुल्ला खान साहब, पाकिस्तान में बड़ी एक नामवर शख्सियत हैं, इनके घर में डकैती पड़ी। पुलिस जो है वो मेरे घर पे रेड किया, उसने बोला कि यार, ये घर फला फला गाड़ी आपने बेची थी। मैंने कहा जी मैंने बेची थी, मेरे पास सेल रसीद भी था, मेरे पास डिलीवरी लेटर भी था, मैंने सब कुछ उनको दिखाया, उसके बावजूद वो मुझे ले गए। ठीक है, उसके बाद उन्होंने मुझसे 5 लाख रुपए से स्टार्ट किया, 5 लाख रुपए से पैसे मांगने शुरू किए रिश्वत के, जो कि एक नॉर्मल अमाउंट जो मैं दे सकता था वो मैंने दिया। गुलबर्ग का ये थाना था और आसिफ साहब वहाँ पे इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर थे। किडनी में उनकी प्रॉब्लम थी, मुझे याद है अच्छी तरीके से। तो मिसाल मैं आपको इसलिए दे रहा हूँ कि ये छोटी मोटी प्रॉब्लम गाड़ी के काम में मेरे साथ लगी रहती थी। ठीक है, कभी इसको पैसे दे रहा हूँ, कभी उसको पैसे दे रहा हूँ, कभी सिविक सेंटर में जाके रिश्वत दे रहा हूँ। तो मैं तंग आ गया था, मैं कहता था यार, मैं इतना चलो कमा भी रहा हूँ, और ये फिर आए दिन एक मसला और था कि वो गाड़ियाँ जो हैं वो कट एंड बैंड निकल आती थी, मतलब वो चेचिस जो है वो चेचिस के ऊपर बैल्ट हो जाता था। मतलब इतनी दो नंबरी थी कि अगर आप मैकेनिक को साथ लेके जाओ कोई गाड़ी खरीदने में, तो वो मैकेनिक भी सामने वाले लोग खरीद लेते थे। तो मैं बड़ा थोड़ा सा अपने मेंटली तौर पे डिसहार्ट हो गया था। मैंने कहा यार कि अब बजाय इसके कि पुलिस वालों को पैसे खिलाओ, इधर उधर खुआरी करो, तो बेहतर है कि यहाँ से मूवी कर जाता हूँ मैं। जी मेरे प्यारे भाइयों, अब मैं शुरू करता हूँ एक बैड न्यूज़ से। बैड न्यूज़ ये है कि मेरे जितने पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश से जितने मेरे भाई यहाँ पे यूरोप में आते थे, पुर्तगाल आते थे, तो वो उनकी उनका सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी होती थी कि वो किसी ऐसे बैंक में अकाउंट खुलवा लें जिसमें कोई चार्जेस ना हो। चार्जेस इस सेंस में कि जैसे पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश में हम लोग जो अकाउंट खुलवाते हैं, जो हमारे वहाँ पे अकाउंट हैं, तो हमसे कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं लिए जाते, सिवाय इसके कि हमें चेकबुक के थोड़े से पैसे देने पड़ते हैं या एटीएम कार्ड के पैसे देने पड़ते हैं। लेकिन यहाँ नॉर्मली यूरोप में ऐसा होता है कि आपको बैंक की मेंटेनेंस चार्जेस भी देने पड़ते हैं, ठीक है, इन इन पैसों के अलावा। एक्टिवो बैंक यहाँ पे एक ऐसा बैंक था कि इसके कोई चार्जेस नहीं थे। जब हम लोग अपने कंट्री से नए नए आते हैं तो बड़ा लिमिटेड पैसा हमारे पास होता है, तो हमारी कोशिश ये होती है कि हम किसी ऐसे बैंक में अकाउंट खुलवा लें जिसमें हमें कोई चार्जेस ना देना पड़े, क्योंकि हमारे पास यहाँ जॉब तो होती नहीं है, अपने कंट्री से लाया हुआ पैसा बड़ा लिमिटेड पैसा होता है हमारे पास। तो एक्टिवो बैंक बहुत ज़बरदस्त था। एक्टिवो बैंक ने अपनी पॉलिसी चेंज कर दी है, उसने ये कहा है कि अब जितने भी लोगों के पास जो यूरोपियन यूनियन का हिस्सा नहीं है, वो हमारे पास अकाउंट खुलाएंगे, तो अकाउंट उनका अकाउंट नहीं खोला जाएगा। सिर्फ वो लोग अकाउंट खोल सकते हैं एक्टिवो बैंक में, पुर्तगाल में, जिनके पास यहाँ पे रेजिडेंस परमिट होगा या TRC होगी, वो लोग इस अकाउंट से फ़ायदा उठा सकते हैं। जिन लोगों के पहले के अकाउंट चल रहे हैं उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अब मैं आपको एक मजे की बात बताऊं, जब मैं यहाँ नया नया आया तो मैंने नोवा बैंक, मुझे बैंकिंग सेक्टर का इतना आइडिया नहीं था, मैंने नोवा बैंक में अकाउंट खुलवाया, मैंने वहाँ पे पैसे रखे, उन्होंने मेरे 20 यूरो काटने शुरू कर दिए।
ठीक है, मंथली। अब मेरे पास शुरू में जॉब नहीं थी और एवरी मंथ वो मेरे 20-20 25-25 यूरो काटे चले जा रहे हैं, तो मेरा जो पैसा था वो वैसे ही कम हो रहा था और वो कम होना शुरू हो गया। तो मैंने वहाँ से नोवा बैंक से अपना अकाउंट क्लोज करवा के मैं एक्टिवो बैंक की तरफ गया और एक्टिवो बैंक ने 1 रुपया मेरा नहीं काटा और मेरा अकाउंट खोल दिया, और अल्लाह का शुक्र है अभी भी मेरे पास एक्टिवो बैंक चल रहा है। तो ये एक छोटी सी बैड न्यूज़ है मेरे उन प्यारे भाइयों के लिए जो लोग यूरोप की तरफ आ रहे हैं, पुर्तगाल की तरफ आ रहे हैं, अगर वो किसी ऐसी बैंकिंग से फ़ायदा उठाना चाहते थे जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट थी, जिसमें कोई चार्जेस नहीं थे, तो वो अब एक्टिवो बैंक ने ख़त्म कर दिया है। आप मिलीनियम बैंक में अकाउंट खुलवा सकते हैं, नोवा बैंक में अकाउंट खुलवा सकते हैं, बट यू हैव टू पे मंथली उनके मेंटेनेंस चार्जेस आपको देने पड़ेंगे जो कि 20 से 25 यूरो तक जा सकते हैं। अब मैं चलता हूँ वीडियो के आखिरी पार्ट की तरफ। मेरा वीडियो का आखिरी पार्ट ये है कि आपको पता है हमेशा मैं लोगों से यहाँ पे पूछता था कि भाई मुझे ये बता दें कि आपको इतना अरसा हो गया, आपका मंथली एक्सपेंस क्या है, ताकि नए आने वालों को उनका माइंड बन जाए कि हाँ यार इतना मंथली एक्सपेंस होता है, ये सारे खर्चे वहाँ पर होते हैं। तो मैं आपको, चूँकि मुझे अब यहाँ पर तकरीबन ऑलमोस्ट 6 महीने होने को स्टार्ट हैं, तो मैं आपको अपना, अब मेरी जॉब भी लग गई है और मेरी पहली तनख्वाह भी आ गई है, तो मैं आपको बताऊँगा मुझे 705 पहली तनख्वाह मिली बेसिक, ठीक है, और जो कि सर्वाइवल है, इतना कोई खास नहीं है बजाय इसके कि आप दूसरे मुल्कों में देखें, नॉर्वे में देखें, तो जैसे यहाँ पे 25 यूरो 26 यूरो पर डे आपको एक मिनिमम वेज से पर डे आपको जो मिलता है, अगर आप नॉर्वे में देख लें, डेनमार्क में देख लें, स्वीडन में देख लें, जो कि आप यहाँ से बगैर वीजे जा सकते हो उन कंट्रियों में, शेंजन जोन है, शेंजन पार्ट का हिस्सा है, तो वहाँ पे आप 1 घंटे में ये पैसे कमाते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर आप यहाँ 25 यूरो 8 घंटे में कमा रहे हो, तो अभी मेरे पास एक मेरा बहुत प्यारा भाई है जिसका मुझे नॉर्वे से फ़ोन आया हो, कह रहा है मुर्ता भाई मैं 25 यूरो 1 घंटे में कमाता हूँ वहाँ पे नॉर्वे में। तो पुर्तगाल में सैलरियाँ ज़रूर कम है, लेकिन नॉर्वे आपको पता है पैसे तो हैं, पेपर नहीं देता। आए मैं आपको हिसाब समझाता हूँ अपना कि 705 तनख्वाह मुझे मिली, उसमें से मैंने किस तरीके से उसको स्पेंड किए, किस तरीके से खर्चा किया, ताकि नए आने वालों को थोड़ा सा और आइडिया हो जाए और क्लैरिटी के साथ मैं आप लोगों को बता सकूँ। तो मेरे प्यारे भाई, 705 में से मैं अगर आपको अपनी बात बताऊं, तो मैं जिस घर में यहाँ पे रह रहा हूँ ये रूसियों पे है, विच इज़ वेरी एक्सपेंसिव एरिया, मतलब मेरे नीचे, घर के नीचे जो होटल्स हैं वो 150-150 पर नाइट, 200-200 पर नाइट पे आपको या booking.com पे नज़र आ जाएंगे। मैं यहाँ पर एक कमरे का 500 यूरो दे रहा हूँ, और जिसमें से 250 मेरा एक प्यारा भाई है, मैंने अपने साथ उसको रूम शेयर किया हुआ है उसके साथ, तो 250 वो देता है, 250 मैं देता हूँ। आपको 110 120 में भी आपको कमरा मिल सकता है, मगर उसमें 7 लोग 8 लोग 6 लोग होंगे, ऐसी रिहाइश थोड़ी सी मुझे मुश्किल लगती थी। मैं ज़्यादा पैसा देने को तैयार हूँ, मगर इस रिहाइश से थोड़ा सा गुरेज करता हूँ, क्योंकि आपको पता है कि जहाँ ज़्यादा लोग जमा हो जाएं वहाँ लड़ाई झगड़े का भी खर्चा होता है, प्लस आपकी कोई अपनी पर्सनल प्राइवेसी नहीं रहती। तो मेरा मानना ये है कि आप थोड़े ज़्यादा पैसे दे दो, मगर ऐसे अपने साफ़ सुथरा माहौल में रहो और साफ़ सुथरी जगह पर रहो, और ज़्यादा पैसे मैटर नहीं करो, लेकिन अपनी ज़िंदगी में आपको सुकून होना बहुत ज़रूरी है। दूसरा आ जाए तो ट्रैवल कार्ड यहाँ पे बनता है 40 यूरो का, जो आपको मंथली आप पूरे लिस्बन में आप फ्री में ट्रैवल कर सकते हो। ज़ाहिर है आपको जॉब पे जाना होता है तो वो टॉप अप करवाते हो आप, तो 40 यूरो तो आपके सीधे सीधे उसमें चले जाते हैं। दूसरा मैं आपको मोबाइल के बारे में बताऊं कि मोबाइल यहाँ पे बहुत ज़रूरी है, क्योंकि गूगल के बगैर आप कहीं यहाँ चल नहीं सकते। यहाँ के अपने लोकल जो रहायशी लोग हैं वो भी गूगल ऑन करके चलते हैं, क्योंकि स्ट्रीट्स यूरोप की आपको पता है इज़ नॉट ईजी टू फाइंड आउट द एड्रेस, तो गूगल मैप जो है वो बेहतरीन किरदार अदा करता है उसमें। आपके पास अच्छा नेट इंटरनेट होना चाहिए मोबाइल में। मैंने खुद ने लाइका की सिम यहाँ पे ली हुई है, 20 यूरो की मिलती है, लेकिन डिस्काउंट में 10 यूरो की मिली, उसमें मैंने टॉप अप कराया। एवरी मंथ 15 यूरो में टॉप अप कराता हूँ, तो 15 यूरो तो मेरे यहाँ निकल जाते हैं। खाने पर आ जाओ कि अगर आपका डिपेंड करता है आप कैसा खाते हो, अगर बाहर खाओगे तो एक वक्त में ही आप जो है वो 20-25 यूरो 2 टाइम का आप खा लोगे, लेकिन अगर आप घर में खा रहे हो, जैसे मैं आजकल जो है वो घर में खा लेता हूँ, तो उसमें जो मेरा एक्सपेंस है वो समझ ले मंथली 150 यूरो 160 यूरो मेरा नॉर्मल थोड़े छोटे मोटे फ्रूट्स के साथ 160 मेरा यूरो खाने पीने में चला जाता है। और इसके बाद 200-250 जो आपके पास बचते हैं, तो इसमें महीने में आप ये समझ लें कि महीने 2 महीने में अगर आप कोई अच्छा जूता ले लें, तो वही यहाँ पे 80-90 यूरो का आपको अच्छा जूता मिलेगा जो बेटर होगा, थोड़ा चलने वाला होगा। तो यहाँ पे आप समझ लें सेविंग आपकी कोई नहीं है, ठीक है। मेरा तो खुद का प्लान बिजनेस का है, तो 1-2 महीने में यहाँ पे नौकरी करके यहाँ की चीज़ें समझ के देन आई विल ओपन माय बिजनेस, सो दैट्स माय थॉट। बट दिस इज़ ट्रू कि यूरोप में स्पेशली पुर्तगाल में काम करके पैसे बचा लेना और पीछे फैमिली को सपोर्ट करना, दिस इज़ राइट कि ये आसान नहीं है, बहुत मुश्किल काम है स्पेशली इन पुर्तगाल। और इसीलिए लोग यहाँ क्या करते हैं कि यहाँ पे अपने पेपर सबमिट करा के
और वो कोशिश करते हैं जर्मनी, फ्रांस, इटली की तरफ वहाँ पे काम करते हैं, जब उनके फिंगर के टाइम आते हैं तो वो यहाँ पर आके पेपर हासिल कर लेते हैं। तो बस सही है अपना मेरे प्यारे भाइयों, ख्याल रखिए। थोड़ी सी वीडियो मेरी लेट हो गई, उसकी वजह ये है कि काम में इंसान जब बिजी हो जाता है तो आपको पता है थोड़ा सा थकान की वजह से अपनी वीडियो नहीं बना सकता, और सॉरी करता हूँ आप लोगों को कि प्लीज़ आप लोगों के सही तरीके से मैसेज पर रिप्लाई नहीं कर पा रहा, और इंशाल्लाह ताला थोड़ा सा मैं एडजस्ट हो जाऊँ तो फिर आप लोगों की चीज़ों आप लोगों के सवालात का जवाब दूंगा। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए, फिर इंशाल्लाह मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़।